नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैजेस्टिक हिमाचल पर। दुनिया में हर एक व्यक्ति को घूमने का शौक होता है। कुछ अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से परेशान होकर किसी एक शांत स्थान पर जाके छुट्टियां बिताना चाहते हैं। ऐसी जगह जहां वे भीड़ से दूर, गाड़ियों के शोरगुल से दूर, शहरों में फैली बड़ी बड़ी इमारतों, हानिकारक धुएँ और चिलचिलाती गर्मी से दूर शांत वातावरण, ताजी हवा और हरी भरी घाटियों में अपना वक्त गुजारना चाहते हैं। अगर आप लोग ऐसी जगह के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है तीर्थन वैली का। तीर्थन वैली हिमाचल प्रदेश की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। तीर्थन वैली कुल्लू के ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में स्थित है, जहां बहती नदियां, हरी भरी घाटी और झीलें इसे एक मनमोहक और दर्शनीय स्थान बनाती है। यह कुल्लू से 70 किलोमीटर, मंडी से 75 किलोमीटर और मनाली से 105 किलोमीटर दूर है। तीर्थन वैली एक ऑफ बीट डेस्टिनेशन है, जहां हर एक उम्र के व्यक्ति के लिए कुछ है। यह शांत घाटी ट्रैकिंग, मछली पकड़ने, वन्य जीवन देखने और कम खोजे गए पहाड़ी गाँव को देखने के लिए आदर्श जगह है। घाटी में चीड़ के पेड़ों के बीच आराम करने के अलावा कुछ भी करने का विकल्प नहीं है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे द्वारा तीर्थन वैली पहुंचा जा सकता है। चंडीगढ़ से मनाली हाईवे पर मंडी होते हुए ओट पहुंचिए। चंडीगढ़ से ओट की दूरी लगभग 240 किलोमीटर है। ओट से लारजी और बंजर होते हुए गुशैणी के लिए 35 किलोमीटर की ड्राइव है। गुशैणी से तीर्थन वैली तक बाई ट्रैक ही जाया जा सकता है। तीर्थन घाटी बंजर से लेकर बाथड़ तक फैली हुई है, जिसके आसपास नदी के किनारे बहुत से गांव हैं। घाटी हरी भरी है और ट्राउट, मछली पकड़ने, ट्रैकिंग, कैंपिंग, रिवर क्रॉसिंग, रैपलिंग और सभी प्रकार की एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए बहुत अच्छी जगह है। ट्राउट फिशिंग के लिए परमिट की आवश्यकता होती है। मछली पकड़ने के लिए नागनी बहुत अच्छा स्थान है। तीर्थन वैली छोटे विचित्र गांवों और खूबसूरत वादियों से होते हुए एक दिन की ट्रैक्स के लिए स्टार्टिंग पॉइंट की तरह काम करती है। और अब जानते हैं तीर्थन घाटी के पास अन्य देखने योग्य जगहें कौन सी हैं। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है जलोड़ी पास। जलोड़ी पास समुद्र तल से 3,550 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है और अपनी खूबसूरती और शानदार पिकनिक डेस्टिनेशन के लिए प्रसिद्ध है। दूसरी जगह है सरलोस्कर झील। सरलोस्कर झील छोटी है लेकिन बहुत ही सुंदर झील है। यह जलोड़ी पास से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके साथ ही स्थानीय देवी बूढ़ी नागिन को समर्पित एक मंदिर भी है। यह झील सभी ओर से ओक के वृक्षों से घिरी है। इसके अलावा यहाँ जंगल में दो वाटरफॉल्स भी हैं। और अब जानते हैं तीर्थन वैली में रुकने की क्या व्यवस्था है। तो दोस्तों, आप घाटी के निकट कैंप लगा सकते हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के बाहर रोपा में फॉरेस्ट वालों के 5 कमरे हैं। शांगर और शक्ति गांव में फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है, जहां 2-2 कमरे हैं, आप यहां रह सकते हैं। इसके साथ बंजर और लारजी में PWD रेस्ट हाउस भी है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम अपने इस ऑफबीट सीरीज़ की दूसरी लोकेशंस के बारे में आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।